का पासबा है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिसमें जा है मोहम्मद अली जिना। 25 दिसंबर 1876 को कराची में पूजा जिना के घर पैदा होने वाले इंतहाई मेहनती, जफाकश और अजीम मोहम्मद अली जिना के कसीदे हमेशा की तरह चंद लम्हात के लिए आज हमारे लबों पर हैं। मेरे अजीज साथियों, मैं शेरियार जिशान आप सबसे पूछता हूँ कि क्या ये चंद तकारीर नगमों की सहरंगेज महफिलें हमारे जहन और ज़मीर को झुंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं? हमारे कायद के फरमान हर गुफ्तार ज़बान, इत्तेहाद ईमान और तंजीम के मफहूम पर कभी गौर भी किया है? गफलत है कि घेरे हुए है चार तरफ से और मारका है गर्दिश आयाम है दरपेश। जनाब हम क्या बेदार होंगे, हमसे ऐसी उम्मीद ही कैसी, जहाँ अल्लाह के हुक्म पर उफ ना तो दूर हम अपने माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते, अजीम असाध्या की ताजीम भुला बैठे हैं, भाई भाई का साथी नहीं पड़ोसी दूसरे के गम से आ रही है, वहाँ भला मुल्क के लिए सरशारी का जज्बा कहाँ से लाएंगे? मेरे साथियों, हमारे पास बेहतरीन तालीमी इदारे हैं, इंटरनेट से ग्लोबल विलेज की रसाई है, बैनुल अक्वामी मुकाबलों में हम सारी दुनिया से तरजीह ले जाते हैं, फिर भी पाकिस्तान में एक भी काबिल साइंसदान नहीं। मेरे साथियों, ना तो मैं मायूस हूँ और ना मैं किसी को मायूस करना चाहता हूँ, मैं तो बस अपने कायद की सोच दोहराना चाहता हूँ। रग रग में इसकी वलवला है हुब्बे कौम का, पीरी में भी जवां है मोहम्मद अली जिना, लड़का है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिना। हम अपने हकीकी मकासद को भूलकर सिर्फ जाती मफादात और अना की नज़र होते जा रहे हैं, कायद की पुकार को महज रंगीनियों में उड़ाते जा रहे हैं कि क्यों ना हम गौर करें कि क्यों ना मिल्लत हुई है जिंदा फिर इसकी पुकार से, तकदीर की अज़ा है मोहम्मद अली। जनाब कहने को तो हम उस कायद के पैरोकार हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को मुसलमानों के लिए एक अलहदा कौम होने पर कायल कर दिया, एक आज़ाद ममलिकत पाकिस्तान बनाने पर कायल कर दिया, एक मजहबी अकलियत के मुकदमे को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की तहरीक में बदला, मगर हम में इतना भी दम नहीं कि हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सके, दोस्त चाइना की मिसाल। हम तो अपना हर फैसला बैरूनी दबाव के तहत करते हैं और हम में वो कायद वाला मुदल्लिल जज्बा और इस्तदलाल नहीं है जिससे हम दुनिया के सामने अपना सर उठा सकें। अपनी सिमत पहचानो यारो। लखनवी साहब ने कायद आजम की जिद्दोजहद की अकासी क्या खूब की है जो हमारे लिए मशल राह है। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल ला जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल ला जाए। शुक्रिया।